आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सौंठ, गोंद और ड्राई फ्रूट की लड्डू, जो न्यू मॉम्स के लिए बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें खूब सारा प्रोटीन होता है और न्यू मॉम्स को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। मैंने इसमें कुछ और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं, जैसे कि अजवाइन, कलौंजी, जड़ी बूटियाँ, जिससे न्यू मॉम्स जल्दी हील होती हैं, उनको जल्दी आराम मिलता है। लड्डू को छत्तीसगढ़ में छेवरिया लड्डू के नाम से जाना जाता है। इससे मिल्क प्रोडक्शन तो अच्छा होता ही है, साथ में कमर दर्द, हड्डियों का दर्द भी चले जाता है। लड्डू को आप एक बार बनाकर 2 से 3 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देसी घी डला होता है तो ये ख़राब नहीं होता है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी मैं आपको बहुत डिटेल में बताने जा रही हूँ, तो आप ये रेसिपी लास्ट तक देखें ताकि आपको भी सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में अच्छे से पता चल पाए। लड्डू बनाने के लिए आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसे आपको एक बार अच्छे से पानी से साफ़ कर लेना है। सभी ड्राई फ्रूट्स को भी आपको एक बार अच्छे से पानी से साफ़ करके उसे सुखाना है, और अगर उसमें कोई डस्ट हो तो उसे चुन कर निकाल लेना है। सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट्स में ले लिया है 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम कलौंजी सीड्स, जिसे करायत भी कहते हैं, और कलौंजी सीड्स दोनों ही मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। सजेस्ट करते हैं न्यू मॉम्स को डेली अजवाइन का पानी पीना चाहिए, जिससे ना सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है बल्कि डाइजेशन का प्रॉब्लम हो या एसिडिटी प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक हो जाता है। आयरन की मात्रा काफ़ी होती है, जो न्यू मॉम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने अजवाइन और कलौंजी को अच्छे से धो लिया था एक बार पानी में, और कोई डस्ट था तो वो निकाल लिया था और उसे एक बार धूप में फैला के सुखा लिया था। पैन लेंगे और दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, ताकि उसमें कोई और मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए और थोड़ा पक जाए, वो अच्छा अरोमा आने ना लगे और जो अजवाइन का कलर है वो ब्राउन कलर ना हो जाए, तब तक हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है अच्छे से। आप देख पाएंगे करायत और अजवाइन क्रैकल होने लगा है और ब्राउन कलर का भी हो गया है, तो अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल के हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। अगर आपने इसे पूरा ठंडा नहीं होने दिया और फिर ग्राइंड किया तो ये अच्छे से पीसेगा नहीं, फाइन पाउडर नहीं बनेगा, मॉइस्चर के कारण इसमें चिपचिपापन आ जाएगा। इस तरह इसको ग्राइंड करके मैंने फाइन पाउडर रेडी कर लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट देखते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो छुहारा ले लिया है, जिसे ड्राई खजूर भी कहते हैं। हमें खजूर को डीसीडेड कर लेना है, उसके अंदर के पूरे सीड्स निकाल के खजूर अलग कर लेनी है। मैंने बीजे और खजूर को अलग अलग कर लिया है, तो मैंने कुछ पहले से करके रख लिया था, इसी तरह हम बाकी कर लेंगे। हमें इसे बीजे निकाल लिए हैं, तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे घी में। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें मैं अराउंड 50 ग्राम घी डाल रही हूँ, तो ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं बारी बारी घी डालूँगी। घी को मेल्ट होने देंगे। अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें खजूर डाल देंगे, जिसमें से हमने बीजे निकाल दिए थे। या बहुत सारा खजूर एक साथ नहीं ऐड करना है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा खजूर डाल के डीप फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि जब खजूर फ्राई होगा तो वो फूल के बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करेंगे। पे हाई फ्लेम में खजूर को फ्राई करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूस चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो खजूर क्या है जल सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं खजूर बहुत ही बढ़िया सा फ्राई होकर फूलने लगा है और उसके कलर भी चेंज हो रही है, तो ये साइन है कि खजूर अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह खजूर के नेक्स्ट बैच को भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। खजूर का टेक्सचर देख पा रहे होंगे फ्राई होने के बाद, तो इसी टेक्सचर आने तक आपको अच्छे से डीप फ्राई करना है खजूर को। आपने खजूर को अच्छे से डीप फ्राई नहीं किया तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा, फाइन पाउडर नहीं बनेगा, तो इसलिए आपको खजूर को अच्छे से डीप फ्राई करना है ताकि वो अंदर से कहीं से भी कच्चा ना रहे। सारे खजूर को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है और अच्छे से ठंडा होने देना है। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो हम इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। दोबारा ठंडा हो रहा है, चलिए हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को फ्राई कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट में मैंने यहाँ पर 500 ग्राम काजू ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर एक बार सुखा दिया था। को भी हमें डीप फ्राई कर लेना है, तो जो बचा हुआ घी था हम उसे ही यूज़ करेंगे। अच्छे से गर्म है तो घी जब अच्छे से गर्म हो तब हम इसमें काजू डाल लेंगे। पूरे काजू एक साथ नहीं डालेंगे, हाफ हाफ बैच करके हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। फ्राई करने के लिए घी की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, नहीं तो काजू के जलने का डर होता है। काजू को तब तक डीप फ्राई करना है जब तक काजू का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। काजू गोल्डन कलर का होने लगे हम इसे निकाल लेंगे। कुछ ही मिनट्स में आप देख पा रहे काजू बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम काजू को निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख के उसे ठंडा होने देंगे। गोल्डन कलर का काजू आपका आना चाहिए, इस तरह अच्छे से फ्राई होना चाहिए ताकि ये ग्राइंड अच्छे से हो पाए। इस तरह नेक्स्ट बैच भी तल के आपको सभी काजू को ठंडा होने देना है। इंग्रेडिएंट में मैंने 500 ग्राम बादाम ले लिया है। पहले का घी बच गया था, हम उसमें थोड़ा और घी ऐड करके बादाम को अब फ्राई कर लेंगे। तो हम पूरा बादाम एक साथ नहीं डालेंगे, हमको बादाम को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बादाम अच्छे से फ्राई होगा, उसका कलर चेंज होगा, वो डार्क ब्राउन हो जाएगा और क्रिस्पी सा लगने लगेगा, तब हम समझ जाएंगे कि बादाम अच्छे से फ्राई हो गया है। तो उस स्टेज में हम उसे घी से निकाल लेंगे। बढ़िया अरोमा आ रहा है बादाम का, तो अब हम इसे घी से निकाल लेंगे।
बादाम का टेक्सचर देख पा रहे होंगे, ये और डार्क ब्राउन हो चुका है और फुलके थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इस स्टेज में आने तक आपको अच्छे से फ्राई करना है और इसे एक प्लेट में डाल के अब हम इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंने 3 प्लेट में छुआरा, बादाम और काजू को ठंडा होने रखा है और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है किशमिश, जिसे मैंने 500 ग्राम ले लिया है, उसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। घी है बादाम फ्राई करने के बाद, मैं ये वही यूज़ करने जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे ये घी का कलर चेंज हो गया है, वो जल गया होगा, तो ये जला नहीं है, ये बादाम का जो कलर है वो उसके कारण ये ब्लैक कलर का हो गया है। तो बादाम को लास्ट में फ्राई कर सकते हैं जिससे घी का कलर चेंज नहीं होगा। अच्छे से गर्म हो जाए तो हम अब किशमिश को फ्राई कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर किशमिश को पूरा एक साथ नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके किशमिश को फ्राई करेंगे। किशमिश फ्राई होते जाएगा वो फूलता जाएगा शेप में। तो मैं आप देख पा रहे होंगे किशमिश अच्छे से फ्राई हो गया है, वो पूरा फूल गया है। किशमिश भी इस तरह फूलने लगे तो आपको इसे घी से निकाल लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें किशमिश को और इसे निकाल कर एक प्लेट में ठंडा होने देंगे। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट देखते हैं, मैंने यहाँ पर गोंद ले लिया है 500 ग्राम, जिसे लासा भी कहते हैं। हेल्दी होता है न्यू मॉम्स के लिए, वो ना सिर्फ गर्म रखता है बॉडी को बल्कि सर्दी खांसी से बचाता है और हील होने में बहुत हेल्प करता है। उसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन बहुत होता है, ना सिर्फ न्यू मॉम्स के लिए बल्कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह का गोंद आपको ईजिली किसी भी राशन दुकान में मिल जाएगा। डीप फ्राई करने के लिए हमें घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जो गोंद है वो फ्राई होकर फूल जाती है। पहले की बची हुई घी थी उसमें थोड़ा घी और ऐड करके हम गोंद को फ्राई करेंगे। हम पूरा गोंद एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा गोंद को फ्राई करते हुए निकालेंगे। फ्लेम में गोंद को फ्राई करेंगे। अगर आपने घी की क्वांटिटी अच्छे से नहीं डाली तो गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होगा, और अगर अच्छे से फ्राई नहीं हुआ तो वो ग्राइंड होकर फाइन पाउडर नहीं बनेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि घी की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। 3 मिनटों में आपका जो गोंद है वो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, फूल के वो बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से वाइट कलर का ये गोंद बन चुका है। ये स्टेज आने तक आपको अच्छे से फ्राई करना है, और जो कुछ नहीं हुए होंगे अच्छे से फ्राई उसे आप फिर से डीप फ्राई कर सकते हैं। इस तरह हमने अच्छे से डीप फ्राई कर लिया गोंद को, अब इसे निकाल लेंगे और एक प्लेट में ठंडा होने देंगे। इसी तरह हमें बाकी गोंद को भी डीप फ्राई कर लेना है। इस तरह गोंद और किशमिश को मैंने अलग अलग प्लेट में ठंडा होने रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएंगे तो मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सफ़ेद मूसली ले लिया है, जो बहुत ही अच्छा होता है लैक्टेशन मदर्स के लिए। मूसली से ना सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है बल्कि जोड़ों का दर्द, और ये टॉनिक की तरह काम करता है फिजिकल वीकनेस के लिए। आपने देखा जितने भी इंग्रीडियंट्स हम ले रहे हैं वो मिल्क प्रोडक्शन और बॉडी के लिए न्यू मॉम की बहुत अच्छे होते हैं। आपने ये लड्डू 3 से 4 महीने लगातार खाया तो कोई आपको बाहर से दवाई कर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिल्क प्रोडक्शन के लिए। जो हैं वो जल्दी फिट हो पाएंगी, जल्दी एनर्जी मिलेगी उनको। मूसली को भी हमें घी में अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मूसली को हम डीप फ्राई करेंगे। ब्राउन कलर होने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कुछ ही मिनट्स में इसका कलर लाइट ब्राउन कलर का होने लगा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, प्लेट में रख के इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाए तो हम इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। इसमें हमने लिया है 250 ग्राम छेवरिया जड़ी बूटी। छेवरिया जड़ी बूटी किसी भी होलसेल राशन दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारा जड़ी बूटी ऐड होता है। ऐड सभी जड़ी बूटी का नाम तो मुझे नहीं पता, कुछ का पता है जैसे कि सौंठ, जावित्री फूल, अच्छा दिख रहा है, इलायची, लौंग। इसमें कुछ और जड़ी बूटियाँ भी हैं जो बहुत यूज़फुल होती है न्यू मॉम्स के लिए। जड़ी बूटी को बहुत पुराने जनरेशन से यूज़ किया जा रहा है ये लड्डू में डालने के लिए, तो अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर आपको ये मिल गया तो आप डालें ज़रूर से। जड़ी बूटी को हमें घी में डीप फ्राई कर लेना है अच्छे से, जब तक जो पूरी जड़ी बूटी है अच्छे से फ्राई होकर क्रिस्पी ना हो जाए, क्योंकि हमें इसे भी अच्छे से पीस कर फाइन पाउडर बनाना है। आपको यहाँ पर जड़ी बूटी को फ्राई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा घी लग जाएगा, या फिर आप जो जड़ी बूटी है उसको पूरा एक साथ ना डालें, फ्राई कर करके निकालें। देख सकते हैं इस तरह हमने अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है पूरी जड़ी बूटी को, और इसको एक प्लेट में निकाल के हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह मैंने 2 प्लेट में जड़ी बूटी और सफ़ेद मूसली को ठंडा होने रख दिया है। तो अब हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्राई जिंजर, जिसे सौंठ कहते हैं, 500 ग्राम मैंने वो ले लिया है। अच्छे से इसे धो के मैंने सुखा दिया था। बहुत हेल्दी होता है न्यू मॉम्स के लिए, ये ना सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है बल्कि इसकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो न्यू मॉम्स हैं वो जल्दी ठीक होती हैं। इंडिया के कई स्टेट्स में सिर्फ गोंद और सौंठ के भी लड्डू खिलाए जाते हैं न्यू मॉम्स को, क्योंकि दोनों में हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है और मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छी हेल्प होती है। हमें यहाँ पर सौंठ को अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है घी में। सौंठ को डीप फ्राई करने के लिए हमें बहुत सारा घी लगेगा।
थोड़ा सौंठ आपको एक बार में फ्राई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सौंठ डालकर आपको फ्राई करके इसे निकालते जाना है। इसको फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और हम इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे, नहीं तो जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इसकी फाइन पाउडर नहीं बन पाएगी, इसलिए आपको इसे अच्छे से तलना है। तो बैचेस में आपको सौंठ को फ्राई करते जाना है। सौंठ जो है वो फ्राई होकर अच्छे से फूल जाएगा साइज में और उसकी कलर भी चेंज हो जाएगी, तो वो उसका साइन होगा कि अच्छे से फ्राई हो गया है। तो जब ये ऐसा हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे घी से और उसे ठंडा होने देंगे। पा रहे हैं सौंठ जो है वो अच्छे से फूल गया साइज़ में, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। स्टेज में आने तक आपको जिंजर को अच्छे से फ्राई कर लेना है और एक प्लेट में रखकर उसे अच्छे से ठंडा होने देना है। उसके बाद आपको इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेना है। इस तरह सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है और एक प्लेट में रखकर उसे ठंडा कर लेंगे। इंग्रेडिएंट अच्छे से ठंडे हो गए तो मैंने इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर के फॉर्म में ले आया। अब आपको मैं ग्राइंड किया हुआ पाउडर से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि वो दिखने में किस तरह दिखेगा। पहले ये जो डस्टी कलर का लाइट ब्राउन कलर का पाउडर जो दिख रहा है वो है सौंठ पाउडर। यहाँ पे 250 ग्राम नारियल का बुरादा ले लिया है, आप इसे घर में भी बना सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं। हमारा ड्राई खजूर का पाउडर और ये ब्लैक पाउडर जो दिख रहा है वो अजवाइन और कलौंजी का पाउडर है। लासा का पाउडर है, ये काजू का पाउडर है, ये बादाम का पाउडर है, किशमिश का पेस्ट है और ये सफ़ेद मूसली का पाउडर है। केजी हमें यहाँ पे गुड़ लग जाएगा। लड्डू बिल्कुल शुगर फ्री है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर मीठा के लिए गुड़ यूज़ किया है जिसे मैंने इस तरह कद्दूकस कर लिया है। तो जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं। बड़ा सा परात ले लेंगे या बड़ा सा प्लेट ले लेंगे जिसमें हम सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने वाले हैं, सभी पाउडर को अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पर नारियल का बुरादा डाल दूँगी। ये है काजू का पाउडर, ये है जड़ी बूटी का पाउडर, ये है सफ़ेद मूसली का पाउडर, दाम पाउडर, ये है खजूर, करायत और अजवाइन का पाउडर, इसका पेस्ट, ये है गोंद का पाउडर, मौट का पाउडर, ऐड कर देंगे गुड़। हमें इसे दोनों हाथ से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है। इसे हाथों से प्रेशर देते हुए आपको इसे मिक्स करना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाए। फिर आपको थोड़ी अच्छी सी मेहनत लगेगी फ्रेंड्स सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने में। इस तरह हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। हम इसमें घी ऐड करेंगे, चाहे तो बचा हुआ घी भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमें एक्स्ट्रा आधा केजी घी डालना होगा। आधा केजी घी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं हो रही हो तो आप और घी इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो घी में अच्छे से फ्राई हुए हैं तो उसमें ऑलरेडी घी है और ऊपर से हम इसमें हाफ के जी और घी ऐड कर रहे हैं, तो इसमें घी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाएगा। हमें घी के साथ अच्छे से बाकी इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है, अच्छे से पहले जैसे हमने मिक्स किया था अच्छे से मसल कर वैसे ही मसलते हुए फिर से मिलाना है। हमने बहुत ही अच्छे से घी को इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लिया है। तो अब लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ पोर्शन हाथ में लेंगे और इस तरह बाइंड करेंगे, इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए लड्डू का शेप देंगे। इसे दबाते हुए आपको लड्डू बनाना है ताकि लड्डू जो है वो टूटे ना। ताकि घी कम पड़ रहा है तो घी को मेल्ट करके आप और ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लड्डू बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह आप बाकी लड्डू भी बना लें। ये बनाने के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ये लड्डू जल्दी जल्दी से बन जाए और एक बार बनाकर आप 3 महीने के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स। मैंने इसकी इंग्रेडिएंट्स और उसकी बेनिफिट्स के बारे में आपको वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी। आप ये लड्डू ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी लड्डू कैसी बनी, आपको इससे बेनिफिट हुआ कि नहीं। बाकी लड्डू भी आपको बना लेना है। इस तरह हमारे सभी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बढ़िया से लड्डू बाइंड हुआ है अंदर से, वो उतना ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। बढ़िया लड्डू बन के तैयार हो गई है। ताकि न्यू हेल्दी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगी। मेरे चैनल में ट्यून ज़रूर रहें। मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।